नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों की चैनल पर, और मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए फरवरी मंथ का रीडिंग। यहाँ पर मैं शफल कर रही हूँ ऑप्शंस आप लोगों के लिए। ऑप्शन वन के लिए आया है ये कार्ड एंड नाउ मैं ऑप्शन टू के लिए शफल करूंगी और ऑप्शन टू के लिए आया है ये वाला कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आपसे चूज कीजिए। ऑप्शन वन के लिए आया है अपोजिशन एंड ऑप्शन टू के लिए आया है द मून। ओके, जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन, यहां पर मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ऑल ओवर फेब्रुअरी का मंथ कैसा जाएगा आप लोगों के लिए वो हम जानेंगे, साथ ही साथ डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे। ऑल ओवर आपको किन बातों का ख्याल रखना है वो हम जानेंगे इस रीडिंग के जरिए। अभी मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्स। ऑप्शन नंबर वन, आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है अपोजिशन। इसमें क्या है मैसेजेस वो मैं बाद में रीड करूंगी, बट फिलहाल आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। फरवरी का महीना आप लोगों के लिए ऑल ओवर काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, अच्छा बुरा मिक्स्ड, ठीक है। एक्चुअली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट यहाँ पर मुझे जो सबसे बेस्ट आपके लिए दिख रहा है वो है फाइनेंसिस को लेकर। करियर आप लोगों का बहुत ही अच्छा होने वाला है माशाल्लाह। यहाँ पर आप लोग जितना एफर्ट लगाएंगे उससे दुगना आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मीन्स आप लोग जितना स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना भी ना पड़े और आपको अच्छा मार्क्स आ जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करियर के मामले में लक आपके साथ है, ठीक है। तो करियर के मामले में लक आपके साथ है, पास में आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा करियर में। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करने वाले हैं फरवरी के मंथ में। कोई नया काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। न्यू जॉब ऑफर अगर आपको मिलता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपके सामने आएंगे। तो अपनी लाइफ में आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जो लोग सेवन चक्रा मेडिटेशंस कर रहे हैं उनके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव होने वाला है। ओके, कुछ लोगों का एक्टिव होगा, हर किसी का तो एक्टिव नहीं होगा, कुछ लोगों का एक्टिव होगा लेकिन ज़्यादातर लोगों का हील होगा, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप लोग फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाले हैं फरवरी के मंथ में, ठीक है। फैमिली में लाइक मटेरियल जो नीड्स होते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं, फैमिली की मटेरियल नीड्स आप पूरा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप खुश रख सकते हैं घर वालों को। ओके, पार्टनरशिप में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा फरवरी का मंथ आपके लिए, ठीक है। आप और एक बात ख्याल रखिएगा, फरवरी के मंथ में सच का ही साथ दीजिएगा। नॉट ओनली फरवरी का मंथ, हमें हमेशा ही सच का ही साथ देना चाहिए, लेकिन लोग हमेशा वो फॉलो नहीं कर पाते। तो स्ट्रिक्टली आप लोगों के लिए ये मैसेज आया कि फरवरी का मंथ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड होगा। आप क्या कर्म करते हैं डेली लाइफ में, आप क्या कर्म करते हैं, आपका कर्मा क्या है, उस पर नोटिस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अवेयर रहेगा अपने कर्मा को लेकर। क्योंकि आप जो करोगे क्विकली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। फरवरी के मंथ में आपका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा रोमांटिक लाइफ में उतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे, ठीक है। रोमांस को लेकर आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा फरवरी के मंथ में। थोड़ा सा आप कोल्ड, डिटैच आप फील कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो आप उनसे थोड़ा बहुत इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं, बट ये आपके लिए नॉर्मल होगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप उसमें कंफर्टेबल होंगे। आप डिटैच होंगे लेकिन आप फिर भी कंफर्टेबल होंगे, ऐसा नहीं कि आप मिस करेंगे, रोना धोना होगा वैसा नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी अवेयरनेस तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ लोग आपकी लॉयल्टी को समझ पाएंगे कि आप कितने लॉयल इंसान हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये लोगों को समझ में आएगा। और आपको ये दिखेगा कि सच क्या है, किसका सच क्या है, किसका झूठ क्या है, वो आपको दिखेगा। ओके, सच्चाई आपके सामने रिवील होगा, लोगों का, सिचुएशन का, वो आपको दिखेगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो या एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आप न्याय करोगे दूसरों के साथ और खुद के साथ भी, स्पेशली खुद के लिए आप स्टैंड लोगे।
सही क्या है, गलत क्या है, आप देखोगे अच्छे से, जांच पड़ताल करके ही आप एक्शन लोगे। थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, तो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ा गुस्सा आ सकता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप होने वाले हो फरवरी के मंथ में, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप सामने वाले को रिप्लाई दोगे। एक तो ये मैसेज दिख रहा है, मिल रहा है मुझे आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि आप कम बात करोगे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, ठीक है। आप लोगों से मिलोगे भी तो भी मिनिमम बात ही करोगे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बोलना है, दैट्स इट। मुझे ये दिख रहा है आपका एनर्जी कुछ, ठीक है ना। एक टाइप का मुझे दिख रहा है कि कार्मिक साइकिल एंड होगा इस फरवरी के मंथ में, ठीक है, और आप लोग एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हैं। एक तो ये मैसेज है। अब आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, तो यहाँ से जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है, आपके सामने जो इंसान होगा, मीन्स ओके, नंबर एट, ट्रिपल एट, डबल एट नंबर भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। शनि का जो मुझे दिख रहा है, शनि ग्रह का, शनि प्लैनेट का प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ने वाला है इस फरवरी के मंथ में। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट पर ऑलरेडी शनि का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता हो, स्ट्रांग हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पर एक चीज़ का मुझे दिख रहा है कि सामने, आपके सामने जो इंसान होगा, ऑपोजिट जो इंसान होगा, उनके साथ आपका मनमुटाव बहुत ईजिली हो सकता है फरवरी के मंथ में। ओके, जैसे कि आप कुछ बोलेंगे, सामने वाला कुछ और बोलेगा, ओके, सामने वाला कुछ और बोलेगा, आप कुछ और बोलेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आप दोनों के थॉट्स में डिफरेंसेस आने की चांसेस है। ओके, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ या फिर बॉस के साथ, या फिर आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में आप जिनके साथ कर रहे हैं बिजनेस उनके साथ, अदरवाइज लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जिनके साथ आपका ज़्यादा बातचीत होता रहता है उनके साथ मन मुटाव होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, आपको सामने वाले की ओपिनियन उतना अच्छा नहीं लगेगा, ओके, और सामने वाले को आपका ओपिनियन अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हैवी कर्मा रिलीज होने वाला है फरवरी के मंथ में, कर्मा रिलीज होगा, और जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो या फिर घर के इंसान ही क्यों ना हो या फिर ऑफिस कॉलेज के ही इंसान क्यों ना हो, उन लोगों के साथ आपका कर्मा क्लियर होने वाला है, हैवी कर्मा क्लियर होगा, जिस वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो बी केयरफुल, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलेगा, थोड़ा प्यार से बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव वे में बिहेव करेंगे तो आप न्यू कर्मा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सामने वाले के साथ आपका मनमुटाव होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए अगर कोई इंसान आपकी बात को नहीं भी समझता है तो ज़्यादा फोर्स ना करे कि वो आपकी बात को समझ जाए, ठीक है। आपको लग रहा है, दिखेगा कि हाँ इस इंसान के साथ मेरा बन नहीं रहा है, जस्ट यू नो, जाने दो, डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं, यहाँ पर है आर्कएंजल ज़ोफियल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, डिवाइन लव, डिवाइन के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। इमोशंस, ओके, यहाँ पर है इमोशंस, बहुत से लोगों का बैलेंस होगा, और जिन लोगों को लगेगा कि मैं बिल्कुल ही लाइक इमोशन लेस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, उनके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। डिवाइन के साथ आप जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत से लोग डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो भी पाएंगे, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, आप करियर में तो फोकस्ड होंगे नो डाउट, लेकिन आप इमोशनली लोगों से थोड़ा बहुत डिटैच फील करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, ओके, और ऐसे में डिवाइन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। ओके, ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, या कंपैशनेट होकर बिहेव कीजिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। जो कि मैंने बोला ही था कि आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो यहाँ पर कंपैशनेट होकर बिहेव करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ वाइज, आप ऑलरेडी वाइज हैं, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो सामने वाला इंसान आपके साथ चाहे कितना भी रूडली बिहेव क्यों ना करें, आपको सेम वे में बिहेव नहीं करना है। ओके, सेम वे में आपको बिहेव नहीं करना है। यहाँ पर है आपके लिए पॉन्ड, तो अननेसेसरी थॉट्स आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। ये अननेसेसरी थॉट्स आपको तभी डिस्टर्ब करेंगे जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, बहस हो जाएगा, तो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होगा। एक तो कर्मा रिलीज होगा, तो ऑब्वियसली पास्ट कर्मा, जो बैड कर्मा से, वो रिलीज होगा, और नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिविटी रिलीज होगा। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होने वाला है फरवरी के मंथ में आपके, तो जितने भी सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, अननेसेसरी जो बिलीफ सिस्टम्स है वो रिलीज होने वाला है, ठीक है। स्पेशली लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, बहुत से लोगों का अपने लव लाइफ को लेकर जो भी सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है आपका, वो क्लियर होने वाला है। ओके, न्यू बिलीफ सिस्टम जो आपके लिए सही है, अच्छा है, वो आप
आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड किया जाएगा डिवाइन के थ्रू. ओके, तो जितना ज्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा फरवरी का मंथ. ओके, ऑप्शन नंबर वन. सो ये रहे आपका रीडिंग, कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. बाय. हाय, ऑप्शन नंबर टू. तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है ऑल ओवर आपके लिए. यहाँ पर हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, आर्कएंजल के मैसेज भी देखेंगे कि आपको किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली कैसा होने वाला है ये मंथ ऑप्शन नंबर टू के लिए. हाय, ऑप्शन नंबर टू. अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है द मून, तो ये रीडिंग आपके लिए है. इसमें क्या मैसेजेस है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट सबसे पहले मैं देखूंगी कि टैरो में आपके लिए क्या मैसेजेस आया है. आपके लिए आया है डेविल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट एंड थ्री ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया था डेथ. और यहाँ पर ओवरऑल जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, फरवरी का मंथ थोड़ा सा हार्ड हो सकता है. ओके, मैं मस्का मलाई नहीं मारूंगी, तो अगर आपको ये सुन लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये पाइल नहीं है तो आप ऑप्शन वन देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है ये फरवरी का मंथ आपके लिए. कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो काफ़ी टाइम से आपके माइंड में चल रहा था, आपके लाइफ में चल रहा था, जो आप रिलीज नहीं कर रहे थे, ऐसी चीज़ें आपके सरफेस में आएंगे रिलीज होने के लिए. ओके, वो रिलीज करवाया जाएगा. एंगर, गुस्सा, एंगर, इस टाइप की एनर्जीज आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है. यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सामने आएंगे. ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सामने आएंगे. पास्ट इमोशंस जो काफ़ी टाइम से आपने सप्रेस करके रखा था, रिलीज नहीं किया था, ऐसे इमोशंस सरफेस में आएंगे ताकि आप उसे रिलीज करें और नए तरह से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें. ओके, हो सकता है किसी को कोई पर्टिकुलर इंसान चीट कर सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है. अगर आपको डाउट है अपने पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर अगर आपको डाउट है, जरूरी नहीं कि लव लाइफ को लेकर ही हो, किसी भी इंसान के ऊपर अगर आपको जरा सा भी शक है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ में आपको उस इंसान की रियलिटी देखने को मिल जाए कि हाँ, ये इंसान सच में मेरे साथ लॉयल नहीं है. ये कोई भी हो सकता है, घर का मेंबर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, या पार्टनर भी हो सकता है. ओके, तो एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि फरवरी मंथ में आप जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पर भी, इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा. अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो उन पर भी इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा फरवरी के मंथ में, क्योंकि हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा आपको झटका दिया जाए जो आप सहन ना कर पाए. ओके, ये पॉसिबिलिटी है. ओके, दूसरा ये है कि आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, आपकी फियर कह लीजिए, इनसिक्योरिटीज, शेडो कह लीजिए, ये सब चीज़ें ना सामने आएंगे, आपके रिवील होगा आपके सामने कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं. आपको दिखेगा आपके शेडो साइड क्या है, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा फरवरी के मंथ में. सेल्फ लर्निंग, सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग, ये पर्टिकुलर तीन वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए. डिवाइन टाइम आपके लिए काम कर रहा है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. फरवरी के मंथ में बेसिकली आपके लिए जो टाइमिंग आएगा फरवरी का मंथ में वो है सेल्फ हीलिंग के लिए. ठीक है, जितना हो सके आपको खुद को हील करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, और पास्ट इमोशंस वगैरह आप जितना ज़्यादा रिलीज करेंगे उतना क्या होगा, आप हील होंगे, आप उतना ही ज़्यादा अलाइन होंगे और आप स्ट्रांग पर्सन बनकर उभर कर सामने आएंगे सबके. ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के साथ उतना उठना बैठना पसंद ना करें, कम से कम बात करना पसंद करें. ये पॉसिबिलिटी है फरवरी के मंथ में कि आप ज़्यादातर टाइम अकेले टाइम स्पेंड करना आपको आपका मन कर सकता है, तो आपका जो मन करेगा वही कीजिएगा. फरवरी के मंथ जो है वो कम्प्लीटली आपको अपने इमोशंस को फॉलो करना है. ठीक है, लॉजिकल होकर काम मत कीजिएगा फरवरी के मंथ में. आपका इमोशंस, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा फुल्ली. जहां आपको लगता है कि नहीं, मैं यहां पर सेफ नहीं हूं, वहां से चले जाइए. जहां आपको लगता है कि इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए तो ट्रस्ट मत कीजिए. बेसिकली डिवाइन आपको आपके इमोशंस के थ्रू आपको गाइड करेंगे.
तो अपने साथ डिवाइन के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बुक्स पढ़ेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली अपने माइंड बॉडी एंड सोल को आपको अलाइन करना पड़ेगा फरवरी के मंथ में, ठीक है। और आपका मन भी करेगा कि हाँ मुझे लोगों से बात नहीं करना है, मुझे थोड़ा अकेले रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको ऐसा मन भी कर सकता है, तो उस हिसाब से कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्स आना है कि पर्टिकुलर कोई फ्रेंड के साथ आप बाहर आउटिंग डे पे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा हार्श टाइम अगर आप देखेंगे तो ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जो लाइक माइंडेड है तो आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सेलिब्रेशन का टाइम है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेशन का टाइम है फरवरी के मंथ में। आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, आप लोग बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ मुझे जाते हुए ज़्यादा दिख रहा है। एंड किसी किसी का मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो दिख रहा है, जिनका है ये सिनेरियो उनको ऑलरेडी पता है। तो आपके लव लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इशू है, मीन्स आप अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो उससे रिलेटेड आपको ट्रिगर मिल सकता है फरवरी के मंथ में। तो थोड़ा अलर्ट रहेगा, अभी से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं सेकेंड फेव को अपलोड कर रही हूँ, मुझे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था, टाइम नहीं मिला इस वजह से। और यहाँ पर आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है द मून नंबर 10, ओके। यहाँ पर भी 10 आया है, देखिए यहाँ पर भी 10 आया है, यहाँ पर भी 10 आया है, हो सकता है आपको 10-10 नंबर काफ़ी दिखे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर जो है इल्यूजन्स, ओके, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है, आपका माइंड आपको डाइवर्ट कर सकता है, इसलिए बार बार ये मैसेज आ रहा था कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, अपना इमोशंस को फॉलो करना है। तो आपका माइंड आपको थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर सकता है, आपको इल्यूजन में डाल सकता है। अपकमिंग फरवरी मंथ में जो भी अमावस्या आएगा उस पर आपके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, अपने इमोशंस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रोना धोना आपको करना पड़ सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे रोना आ रहा है, तो रो लीजिएगा, रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो या शेडोज आपके सामने आएंगे, यहाँ पर जितना हो सके अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिएगा, आपके इमोशंस ही आपको गाइड करेंगे, ठीक है। दूसरों के शेडोज, दूसरों के सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो आपके सामने रिवील होगा। यहाँ पर मुझे लोगों का जो सीक्रेट रिवील होते हुए दिख रहा है वो मुझे पॉजिटिव वाला नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या आप किसी को बुरा समझ रहे थे वो अच्छा निकल कर आया, ऐसा नहीं है। आप किसी को अच्छा समझ रहे थे वो बुरा निकल कर आया, इस तरह के का शेडोज, लोगों के शेडोज आपके सामने आ सकते हैं, रिवील हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड बातें कि हाँ इस इंसान के बारे में मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और ये हो गया, देखो ये इंसान ऐसा है, समथिंग इस टाइप का, ओके। तो या और आपके लिए जो यहाँ पर गाइडेंस है आर्कएंजल शैमुएल की तरफ से है, आपको यहाँ पर ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, ओके। और सी यहाँ पर है आई हैव द बेस्ट फ्रेंड्स, और मैंने बोला था ना फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना, बाहर जाना, तो आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ अगर आप बात करते रहेंगे, उनके साथ अगर आप अपने इमोशंस को शेयर करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगेन वही बात मैं बोलूंगी, जहां आपको लगता है कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट इशू है, वहां पर शेयर मत कीजिएगा। अदरवाइज उनके साथ आप नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पर्सनल बातें शेयर करें, नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको ग्रेटफुल होने के लिए बोला जा रहा है कि फरवरी के मंथ में आप ग्रेटफुल रहिएगा जो भी चेंजेस आएंगे। यहाँ पर बेसिकली आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं फरवरी के मंथ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप लोगों की जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी है वो निखर कर सामने आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, तो थोड़ा सा पेन डेफिनेटली होगा, बट इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप लोग अपनी पुराने सेल्फ को पीछे छोड़कर आप अपने न्यू सेल्फ में निखर कर सामने आएंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस आएंगे उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज आया है वो है डिवोशन का, मीराबाई, बहुत ही खूबसूरत है। डिवाइन के साथ आप जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। डिवाइन टेस्ट है एक किस्म का फरवरी के मंथ में, आपका ऊपर वाले के ऊपर कितना ट्रस्ट है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना फेथ रखते हैं ऊपर वाले के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है कि पास्ट जो चीज़ बीत चुका है उस वही बातें आपके माइंड में फिर से आए, ओके। ज़रूरी नहीं कि फिर से कोई आपको चीट करे, पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ चीट किया था, धोखा दिया था, तो उससे रिलेटेड बातें फिर से सरफेस में आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला कुछ ऐसे ऊंस हैं जो हीन नहीं हुआ है, वो ऊंस सरफेस में आएंगे। कुछ ऐसे इमोशंस जो दबे पड़े हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, वो इमोशंस बाहर आएंगे रिलीज होने के लिए, ठीक है। जो पास्ट में हो चुका वो मेमोरीज बार बार आपको याद आ सकता है,
इस वजह से भी आप थोड़ा बहुत पेनफुल वाला एनर्जी में जा सकते हो, आप ऐसा फील कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइन के साथ आप अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी म्यूजिक सुनिएगा, भजन कीर्तन करना, इस टाइप की म्यूजिक सुनना, सूफी म्यूजिक सुनना, मंत्र चैंटिंग करना, मंत्र सुनना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना हो सके डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं डिवाइन टेस्ट होने वाला है फरवरी के मंथ में। ओके, ऑप्शन नंबर टू। ये रीडिंग अगर आपके लिए जरा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।